तके तके तीर महाराज चलावा छलिया एरन हाथ नहीं सामने पहुंचे तो देखा एक संत तपस्या कर रहे और महाराज श्रृंगीर सिदर जंगल में भ्रमण कर रहे महाराज लोमस ऋषि आसन पर बैठे हैं। सामने देखा एक सर्प मरा है, सर्प हाथ में लिया। राजा सोचने लगा कितना घमंडी बाबा है, ऐसा लग रहा है कि इसने हमें देख के आंखें बंद कर ली, कहीं राजा को सत्कार की न पूछनी पड़ जाए। और जब इनने मेरे अपमान करवे तो इनका हम सम्मान कैसे कर सकते हैं। उस सर्प को उठाया, तक्षक रूपी सर्प गले में डाला, राजा वहां से चला गया। दादा जब संत का अपमान किया तो विद्वान कहते हैं कि भगवान अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन संत का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भैया इधर श्रृंगीरिस ने श्राप दिया कि हे घमंडी राजा, तूने मेरे पिता समान गुरु का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तुझे सातवें दिन तक्षक डस लेगा। राजा आंगन में आया, ये बात जब नवलदे को मालूम पड़ी तो सुड़ गए। महाराज नवलदे ने अपने पिया के पैर पकड़े और एक बात कही कि हे नाथ मेरी बात सुनो का